पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में मुख्य आरोपी सुशील कुमार के करीबी अनिरुद्ध को दिल्ली पुलिस जम्मू ले जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सागर हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और इसकी पुष्टि के लिए दिल्ली पुलिस अनिरुद्ध को जम्मू लेकर जाएगी। वहीं इससे पहले छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुवार को पहलवान सुशील कुमार के करीबी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से उसे 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। अब तक इस मामले में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल पुलिस ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर शुक्रवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष पेश किया था और 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में बताया कि इस मामले में सबूत जुटाने के लिए आरोपी अनिरुद्ध की रिमांड की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि उसे जम्मू ले जाना है। अदालत ने केवल 4 दिनों के लिए ही रिमांड दी थी। कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी थी। अब 25 जून तक सुशील और उसके साथी जेल में ही रहेंगे। इससे पहले 2 जून को पुलिस की ओर से सुशील कुमार की 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को 9 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शुक्रवार को सुशील की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे जेल से ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जहां सुनवाई के दौरान सुशील की न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी गई। बता दें कि मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। सुशील इसके लिए नीरज बवाना और काला असौदा गिरोह के सदस्यों को साथ लेकर आया था। आरोपियों ने मिलकर सागर धनखड़, सोनू महाल, रविंद्र, विकास इन सब की पिटाई की थी। गंभीर रूप से घायल सागर की अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं जिस कोच ने सुशील को कुश्ती के दांव सिखाए, उन्हीं की बेटी के साथ सुशील ने शादी रचाई। सुशील की पत्नी का नाम है सावी। इन दोनों की कहानी काफी दिलचस्प है। सुशील ट्रेनिंग लेने के दौरान लगातार सतपाल के घर जाया करते थे। दोनों की शादी 18 फरवरी 2011 को हुई थी, लेकिन सावी ने शादी से पहले सुशील से बात तक नहीं की थी। इस बात का खुलासा खुद सावी ने किया था। सावी ने द इंडियन एक्सप्रेस को 16 जुलाई 2012 को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, हमने शादी से पहले एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। मैंने हालांकि उन्हें दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में देखा था, जहाँ मैं टेनिस खेला करती थी। हमारे बैकग्राउंड के कारण हमारी शादी को लेकर थोड़ा डर था, लेकिन ये सफर शानदार रहा है। सुशील ने नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक जीता था और इसी के बाद इन दोनों की सगाई हुई थी और फिर 2011 में शादी रचाई। अब इन दोनों के 2 बेटे हैं, लेकिन कहते हैं ना, दिन कब फिर जाएं किसी को नहीं पता। सुशील का करियर शानदार रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर विश्व चैंपियनशिप तक उन्होंने अपनी धाक दिखाई है, लेकिन आज उन पर हत्या का आरोप है और वो जेल में है। सुशील पर युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है और इसी कारण दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अपने जन्मदिन के दिन ये 2 बार का ओलंपिक पदक विजेता जेल में था।